नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य, और क्षेत्रीय नृत्यों में पढ़ेंगे आज सबसे पहले लाहौरे नृत्य। किसकी बात करेंगे? लाहौरे या ओब्लिक लाहौरे नृत्य की बात करेंगे विद्यार्थियों, लाहौरी या लाहौरे नृत्य की बात करेंगे। अब इस नृत्य की अगर अपन बात करना चाहे तो पहले बात तो ये कि कौन से क्षेत्र में किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र रहेगा शेखावाटी, और नृत्य क्षेत्र आपसे पूछे तो कौन सा रहेगा? शेखावाटी क्षेत्र रहेगा। ये नृत्य पुरुष एवं स्त्रियां दोनों करते हैं। पुरुष एवं स्त्रियां दोनों करते हैं। पुरुष एवं स्त्रियां दोनों इस नृत्य को करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इस नृत्य की तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और ये एक अश्लील नृत्य है, यानी अश्लील कह दो चाहे ऐसा भी नृत्य कह दो, शेखावाटी में किया जाता है। यह एक अश्लील नृत्य है। कैसा नृत्य विद्यार्थियों? अश्लील नृत्य है। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं, दूसरा जो नृत्य आएगा वो आएगा नाहर नृत्य, और नार नृत्य प्रसिद्ध है मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। बात करें विद्यार्थियों नाहरे नृत्य की, और नार नृत्य के बारे में पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन बनेगा नार नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नार नृत्य क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र रहेगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कौन करते हैं? पुरुष से लोग करते हैं। पुरुषों में भी कौन सी जाति के लोग? पुरुषों में भी जाति पूछे तो कुम्हार, ढोली, और एक है भील। ढोली वे भील जाति के लोग नाहर नृत्य करते हैं। और इस नृत्य की अगर अपन बात करें भी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में इस नृत्य की क्या हुई थी शुरुआत? इस नृत्य के शुरुआत मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल से मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस नृत्य की शुरुआत है मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल से मानी जाती है, विद्यार्थियों इस नृत्य में क्या होता है? जैसे एक पुरुष होता है और वो पुरुष अपने शरीर पर सफेद रुई लपेट लेता है, और फिर शेर की वेशभूषा में क्या करता है? स्वांगे करता है। वो क्या कहलाता है? नार नृत्य कहलाता है।
इसके अगर अपन बात करें व्यक्ति अपने शरीर पर रुई लपेट कर शेर के वेशभूषा में स्वांग करता है, उसे क्या कहते हैं? नाहर नृत्य कहते हैं, नाहरे नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये हो गया नार नृत्य। क्षेत्र पूछे, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है नार नृत्य की, वो यही बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नार नृत्य प्रसिद्ध है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, किसने इस नृत्य की शुरुआत करवाई थी? तो ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। शाहजहां के शासन काल में इस नृत्य की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। विद्यार्थियों, ये जो नृत्य है ये पुरुष लोग करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? कुमार, ढोली व भील जाति के लोग इस प्रकार का नृत्य करते हैं। और इससे जो नेक्स्ट अपना जो नृत्य रहने वाला है विद्यार्थियों, वो आएगा ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य आएगा? ढोले नृत्य। ढोले नृत्य सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य है जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। और ढोल नृत्य भी कौन करते हैं? पुरुष लोग करते हैं। बात करें हम उन्हें ढोल नृत्य। क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो क्षेत्र रहेगा विद्यार्थियों जालोर। ढोल नृत्य का क्षेत्र रहेगा जालोर। कौन करते हैं? पुरुष से लोग करते हैं ढोल नृत्य। इसमें तीन ढोल काम में लिए जाते हैं, या इसमें तीन ढोले होते हैं। इसमें तीन ढोले होते हैं और इन ढोलों को विद्यार्थियों थकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली में बजाया जा रहा है ढोलों को? थकना शैली में बजाया जाता है ढोलों को इस नृत्य के दौरान। थकना शैली में बजाया जाता है। और ये जो ढोल नृत्य कौन कौन सी जाति के लोग ये नृत्य करते हैं? तो विद्यार्थियों वो कौन कौन सी जाति के लोग नृत्य करते हैं उसकी अगर अपन बात करना चाहे, थाकना शैली में किया जाता है। सरगड़ा जाति के लोग भी करते हैं इसे। सरगड़ा जाति, इसके अलावा ढोली जाति, ढोली जाति के लोग करते हैं। एक माली, माली जाति के लोग भी इस प्रकार का नृत्य करते हैं। सरगड़ा जाति के, ढोली जाति के, माली जाति के, इन जातियों के लोग इस प्रकार का क्या करते हैं? नृत्य करते हैं ढोले नृत्य। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करें ढोल नृत्य की, तो एक व्यक्ति का नाम है भौम सिंह राठौड़। क्या नाम है? भौम सिंह राठौड़। वह बरगरी के प्रेम कथा पर आधारित हैं।
बर्गरी की प्रेम कथा पर आधारित है। इस प्रकार का वृत्तांत इस नृत्य के बारे में मिलता है। और ये जो ढोल नृत्य है, पुरुष करते हैं, इनमें तीन ढोल होते हैं। थाकना शैली में ढोलों को बजाया जाता है। सरगड़ा जाति, ढोली जाति व माली जाति के लोग इस प्रकार का भोम सिंह राठौड़ व बरगरी की प्रेम कथा पर आधारित है ये नृत्य माना जाता है। कौन सा? ढोल नृत्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ढोलों को कौन सी शैली में? थाकना शैली में। और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? ढोल वाद्य यंत्र का ही क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है इस नृत्य के दौरान। एक आता है विद्यार्थियों डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य डांडिया नृत्य। और डांडिया नृत्य की अगर अपन बात करें तो डांडिया नृत्य का विद्यार्थियों जो क्षेत्र रहने वाला है वो क्षेत्र रहेगा मारवाड़। मूलतः वैसे देखे तो डांडिया गुजरात का माना जाता है, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और डांडिया नृत्य पुरुष से करते हैं। डांडिया नृत्य कौन करते हैं? पुरुष से करते हैं। और इस नृत्य के दौरान बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। ऐसे नृत्य के दौरान बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है? डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य एक क्षेत्र मारवाड़। कौन करते हैं? पुरुष लोग करते हैं। इस नृत्य के दौरान बड़ली के भैरू जी का क्या किया जाता है? गुणगान किया जाता है। और आज इस क्लास में हम इतने ही पढ़ेंगे।